जी, कैसे हो आप सभी लोग? बिल्कुल मस्त, चंगा एकदम। तो पुरस्कार परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ, प्लस जो वर्ल्ड और अपने इंडिया और राजस्थान के अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चनों का निचोड़ लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ। अपन इस क्लास के अंदर, आपको पता ही है, जो रेगुलर लेते हैं उन सबको पता है कि अपन घर बैठे बैठे डिस्कस कर लेते हैं इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड के बारे में। तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चनों का लगभग समावेश रहता है, और उसमें भी है वो क्या है कि आपको क्या मिलेगा, 30 क्वेश्चनों के साथ साथ फैक्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरे के पूरे हैं वो, क्या मिलेंगे आपको? फैक्ट भी मिलेंगे। ऐसा ही नहीं है कि सीधे डायरेक्ट है वो क्वेश्चन है वो पढ़ा दिए जाए, आपको फैक्ट है वो भी मिलेंगे। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओ, अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि क्या स्टार्ट करें? क्या बोलो, बोलो, करें, करूं स्टार्ट? क्या बोलते हो? हाँ, आपकी हाँ और स्माइल मैंने फील कर ली है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। लेकिन अपन हमेशा की तरह एक पॉजिटिव कोट के साथ है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने प्यारा सा कोट है कि प्रयत्नम जीवनस्य न्यूनम न्यूनम अस्ति, कि परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है, नियम है। ये आप बहुत ज्यादा स्लोगन सुनते भी हो लेकिन समझते बहुत कम है, और ये प्रकृति पे भी लागू होता है। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी जो भी चीज आपको दिखती है ना, उसके ऊपर ये रूल है वो लागू होता है, खुद पर, नेचर के ऊपर भी लागू होता है। आप खुद देख सकते हो कि अभी जो बसंत पंचमी जाने के बाद में जो ये पतझड़ ऋतु आती है, अब ये सारे के सारे पेड़ के पत्ते हैं वो क्या है, गिर जाएंगे, और नए पत्ते हैं वो आएंगे, वापिस हरियाली आएंगी। तो देखो, जब प्रकृति है वो भी बदलती है, तो अगर कोई इंसान बदल जाए ना, तो इतना ऐतराज मत कीजिएगा कि इंसान कैसे बदल गया। वो कहते हैं ना, यार बदल गए, प्यार बदल गए, अब तो ऐसा कुछ है ऐसा, तो वो अपने को अब ऐतराज नहीं करना। सब कुछ बदलता है इस दुनिया के अंदर, कोई भी चीज है वो स्थाई नहीं है, हर चीज बदलती है, ठीक है ना? तो बस आप भी खुद देखो, आपके अपने शरीर में देखो, आपके अपने व्यवहार में देखो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। अगर सही तरीके से एनालिसिस करोगे ना, तो पर डे आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, अपना नहीं है। अपन चाहकर भी इसको नहीं रोक सकते, और जो रोक लेता है ना, समझ लो वो अपने मन को और ईश्वर को पा लिया है, ठीक है? मन को कंट्रोल कर लिया प्लस ईश्वर को पा लिया है, ठीक है? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्यारा सा क्वेश्चन, बोलो, स्टार्ट करूं? जाने दूं? जाने दो, चलो बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल, ये रहा आपके सामने प्यारा सा और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि हाल ही में श्री अन्न का निर्यात करने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो श्री अन्न का निर्यात करने में देश के अंदर पहले स्थान पर रहा है या फिर दूसरे स्थान पर रहा है? तो देखो, निर्यात के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? मैंने प्रथम का पूछा है, तो कौन सा स्टेट रहा है? देखो, तो प्रथम स्थान पर गुजरात रहा है, ठीक है ना? मेरी उम्मीद तो ये थी कि आंसर मेरा बस चलता, तो मैं तो क्या करता, राजस्थान कर देता। क्या कर देता? मैं तो राजस्थान इसका क्या कर देता, आंसर कर देता। लेकिन क्या करें, इसका आंसर तो गुजरात है। श्री अन्न मतलब मोटे अनाज हो सकते हैं, जैसे बाजरा वगैरह हो ना, तो उसके उत्पादन में, हालांकि बाजरा अपने राजस्थान में काफी हद से ज्यादा है उत्पादन होता है, तो ये श्री अन्न है वो इसके निर्यात में सबसे एक नंबर पे अगर पूछा जाए तो गुजरात का है, ठीक है? गुजरात के बाद में अगर आपने पूछ लिया जाए कि अपने प्यारे राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो अपने प्यारे राजस्थान का स्थान है नौवां स्थान। कौन सा है? नौवां स्थान अपने प्यारे राजस्थान का है। और मोटे अनाज जो दाल दलहन वगैरह जितने भी है, ग्वार वगैरह बाजरी है, उनके उत्पादन में अपने राजस्थान का कौन सा स्थान है?
उनके उत्पादन में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। और अभी मैंने डिस्कस ही किया था अपने जो 2023 के अंदर कि मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है ना, और वो 2023 को घोषित किया गया है, वर्ष 2023 को क्या मिलेट्स वर्ष है वो घोषित किया गया है। अब बात आती है बाजरा, तो देखो बाजरा की अपन बात करते हैं कि इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है और इसका उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। तो अगर अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर है। कहाँ अनुसंधान केंद्र है? वो गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर है। लेकिन उत्कृष्टता केंद्र की बात की जाए तो उत्कृष्टता केंद्र है वो भाई साहब राव जोधा, जिसने जिसको बसाया था, जोधपुर रे अंदर है। कहाँ है? जोधपुर रे अंदर है। अब राजस्थान, तो राजस्थान में आप सबको पता है कि अभी कुछ समझौता हुआ है, पिछली क्लास में अपन डिस्कस किया था हरियाणा हरियाणा और राजस्थान के बीच में, किसके बीच में? हरियाणा और राजस्थान के बीच में कौन सा समझौता हुआ है? तो यमुना जल समझौता हुआ है, जो 30 साल के बाद में क्या कर दिया गया है, अब लागू कर दिया गया। इसमें चूरू झुंझुनू सीकर अपने ये शेखावटी वाले चार जिले हैं ना, इनको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा, मतलब यहाँ तक पानी आया जाएगा भाई साहब। तो अब अपने को थोड़ी खुशी मना लेनी चाहिए, भी उम्मीद जगा लेनी चाहिए कि पानी अब तक है, वो मीठा पानी पहुंचेगा, तो जिन किसानों तक पहुंचेगा वो क्या है, फसल का उत्पादन करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। ये मैंने जो भी फैक्ट लिख रखे हैं वो मैंने सारे के सारे बोल कर डिस्कस करवा दिए हैं। चलें हटा सावन की घटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ बनाई गई? लगा लो स्टार भाई साहब, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और पूर्वी राजस्थान वालों ये आपके लिए क्वेश्चन है। और अगर कोई लाल सोट दोसा का है, कुछ लोग तो है, मेरे को पता है जो कुछ लोग है वो कमेंट वगैरह करते हैं, तो उनके लिए है ये उन्हीं की जगह का है क्वेश्चन। तो आपको तो पता ही होगा ना लाल सोट दोसा वालों, आपको तो पता ही होगा कि आपके जगह पर है वो सुरंग बनाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और वो कहाँ बनाई गई है? तो लाल सोट जो दोसा क्षेत्र है ना, उसके डिडवाना से इदावा के मध्य बनाई गई है। डिडवाना से इदावा, डिडवाना को नहीं है, ठीक है ना, डिडवाना है तो याद रख लेना, डिडवाना वो नागौर वाला नहीं है, ये लाल सोट दोसा के अंदर है, थोड़ी लोकेशन है वहां की, तो वहां इदावा के मध्य है वो बनाई गई है। इसकी लंबाई है लगभग 2170 मान के चलो मीटर है, तो किलोमीटर मान के चलो लगभग 2 किलोमीटर, 2.1 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर मान लो, ठीक है ना, 2.25 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो देह क्या है अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग है, याद है रख लेना। और ये एक परियोजना चलाई गई है, जो परियोजना का नाम है दोसा गंगापुर रेल परियोजना। कौन सा नाम है? दोसा गंगापुर रेल परियोजना के तहत है वो क्या किया गया है जनाब, इसका निर्माण किया गया है। अभी 3 मार्च को 120 किलोमीटर के स्पीड से 120 किलोमीटर की स्पीड से इंजन चलाकर है वो इसका ट्रायल है वो सक्सेस कर दिया। जब भी कोई चीज पटरी या बनाई जाती है ना, सुरंग बनाई जाती है या कोई भी पटरी बनाई जाती है, तो पहले इंजन चलाकर है उसको दौड़ाया जाता है मैक्सिमम स्पीड के अंदर, ताकि उसका ट्रायल किया जाता है, ठीक है ना, कोई भी जन मन हानि नहीं हो, ठीक है ना, वरना ऐसा नहीं हो कि बनाए बाद में ट्रेन दौड़ा दे रहे कुछ हो गया, तो इसलिए पहले उसका क्या किया जाता है, ट्रायल किया जाता है, मतलब अभ्यास खेला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें रोड शो का आयोजन कहां हुआ है? रोड शो बोले तो गुलाब शो समझोगे ना, ठीक है ना, गुलाब शो याद रख लो इसको, ठीक है ना, गुलाब महोत्सव कह दो इसको, शो को आप क्या कर दो, महोत्सव कर दो, और तो क्या बोलोगे सब, ठीक है, गुलाब महोत्सव बोल दो, अगर कोई हिंदी में दिक्कत हो सकती है किसी के, सॉरी इंग्लिश में। तो 49वें रोड शो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखना पहले तो कौन से नंबर का, 49 का, इसका आयोजन अपने जयपुर के अंदर हुआ है। अभी एक प्यारा सा पार्क बना है जिसका नाम है सिटी पार्क, क्या नाम है, सिटी पार्क के अंदर है वो क्या बनाया गया है, तो वो 49वें गुलाब महोत्सव का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है,
बोलो कोई दिक्कत। अब बात आती है कि सर 49वां तो बता दिया, तो इसकी क्या जरूरत है, तो 48वां भी बताओ। तो 48वां इसलिए बताऊं क्योंकि ये आरपीएससी ने पूछ लिया है, इसलिए ये 49वां भी क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 48वां पूछ लिया गया जो कहां हुआ था, तो वही भी जयपुर के सिटी पार्क में हुआ था। पिछली बार जो ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के आने की भी संभावना हो जाती है, ठीक है ना। अब एक अपनी गुलाब सोसाइटी ऑफ राजस्थान है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे, दो पवन अरोड़ा जी थे, ठीक है ना, राजस्थान आवासन मंडल के पूर्व चेयरमैन, ठीक है ना, याद रख लेना। पवन अरोड़ा जी है वो इसके क्या थे, तो मुख्य अतिथि थे। बोलो कोई दिक्कत, चलो तो दिक्कत न, तो आगे चलते हैं। बोलो भाई, चिंता मत करो, जैसे ही मार्च कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने का करंट अफेयर रखेगा, क्वेश्चन का निचोड़ मोस्ट से मोस्ट है, मतलब अपन या तो सुपर 150 करेंगे या सुपर 200 करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नाम ऐसे प्यारा सा दे ताकि अपने को लेने में आसानी होगी। सुपर 300 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो अपन क्या ये करेंगे, सुपर 200 करेंगे, सुपर 200 करेंगे, और वो क्लास लेके आएंगे लाइव, ठीक है ना, लाइव क्लास लेकर आएंगे अपन, चिंता मत करो। तो पूरे जनवरी फरवरी और मार्च तीनों महीनों का करंट अफेयर का निचोड़ है, वो उस लाइव क्लास के अंदर है, वो पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो वो मार्च कंप्लीट होते ही अपन होली के बाद में है पक्का लेकर आएंगे, चिंता मत करो। तो उसके अंदर आ जाना, ठीक है ना, आपके रूबरू होंगे, आपसे जरूर लाइव मिलेंगे, आपके कमेंट चलेंगे और उसका आपसे बातें करते करते क्लास पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। एक ऑफलाइन क्लास की तरह है, अपन क्या करेंगे उसका लुप्त उठाएंगे, ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो अपना प्यारा राजस्थान राज्य है वो प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। अब ये बताओ विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है, तो देखो विकसित भारत संकल्प यात्रा ये है कि इसके अंदर है वो अपने या तो स्टार्टअप कैसे किए जाते हैं, या जो राजस्थान की सरकार के द्वारा जो योजना चला जाती है उसके अंदर लोग कितना बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, उसके बारे में है। तो इसी में देखो अभी 200,000 लोग हैं वो पीएम उज्ज्वला योजना का क्या है, लुप्त उठाया है। यूपी के बाद में ये कारनामा करने वाला अपना राजस्थान दूसरा राज्य है। उज्ज्वला योजना आप सबको पता है कि जब स्टार्ट की गई थी तो यूपी से ही स्टार्ट की गई थी। अब अपने को कितने रुपए में, तो 400 रुपए में क्या मिलता रहा है, सिलेंडर मिल जाता है, ठीक है ना, याद है जरूर रख लेना, ठीक है। प्रारंभ कब है, प्रारंभ 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ की गई, ठीक है ना। विकसित भारत संकल्प यात्रा स्थान कहां से था, महारानी कॉलेज। अब ये महारानी का कॉलेज कहां पर है, तो जनाब ये महारानी कॉलेज है वो गुलाबी नगरी जयपुर रे अंदर है, गुलाबी नगरी जयपुर रे अंदर है। अब अपनो प्यारो राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान में जिला कितना है रे, ठीक है, जिला देखो 50 तो कन्फर्म है, बाकी 3 का कोई कन्फर्म नहीं है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है ना। टोटल 5920 कितनी है इसकी लंबाई है टोटल, उसके अंदर 1070 क्या है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है ना, 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, 4 पुराने हैं, 2 कौन से, एक तो फलोदी, ठीक है ना, एक फलोदी और एक जो गंगानगर और बीकानेर से टूटकर बना है, हालांकि उसमें जो बीकानेर है उसका हिस्सा नहीं है, सिर्फ गंगानगर से बन रहा है, ठीक है ना। वो 6 डिस्ट्रिक्ट है टोटल कितने हैं इसके अंदर रेड क्लिप से लगते हैं, तो याद रख लेना पहले कितने थे, ये पहले 4 थे, अब कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, ठीक है ना। नया मानचित्र आ गया है, अभी से आप अध्ययन करना स्टार्ट कर दो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इन जो नए 19 डिस्ट्रिक्ट बने थे इनका स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, तो 7 अगस्त को है उसका क्या मनाया जाएगा, स्थापना दिवस। और इसकी घोषणा कब की थी, तो 17 मार्च ने है वो घोषणा कर दी थी, किसने, अशोक गहलोत जी ने, कि 19 जिले हैं वो नए बनाए जाएंगे, ठीक है, याद है रखोगे ना, कोई दिक्कत है। आप मेरे को बताओ इसका, चलो मैं ही बता देता हूँ, इसकी जो समिति बनी थी उस समिति का नाम क्या था, रामलू भाया की थी, राम
लुभाया समिति थी, ठीक है ना, याद रख लेना। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनने हैं, के चांस बनते हैं। राजस्थान, तो राजस्थान अपने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहले स्थान पर है, दुग्ध उत्पादन में यूपी के बाद में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सी यूनिवर्सिटी है वो प्रथम स्थान पर रही है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो अभी आयोजित हुए हैं उनके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जनाब, वो फर्स्ट स्थान पर रही है, प्रथम स्थान अव्वल किया है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, किसने किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया है, ठीक है। अब याद बात आती है कि चलो चंडीगढ़ ने फर्स्ट किया है तो अपने राजस्थान की भी कुछ यूनिवर्सिटी होंगे क्या है, सबसे बड़ी राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसका स्थान है 41वां। क्या है? 41वां। बाद में आपने महाराजा गंगा सिंह आ जाती है, उसका स्थान कितना है? 69वां। फिर आ जाती है कोटा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, उसका 71वां स्थान है रहा है, ठीक है ना। और देख लो संस्कार सारस्वत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो संस्कार सारस्वत याद रख लेना, क्या नाम है? संस्कार सारस्वत इस यूनिवर्सिटी गेम के अंदर है और राजस्थान के ओर से बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। क्या? बैडमिंटन के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। किसने? संस्कार ने, ठीक है, याद रखोगे ना। संस्कार सारस्वत नाम है, ठीक है, पूरा संस्कार सारस्वत नाम है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर। प्रथम स्थान पर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्थान 41वां, बाद में गंगा सिंह का 69वां और कोटा विश्वविद्यालय का 71वां। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की ना आती, बोलो हरिओम। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित हैं? अब ये बोलोगे सर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्या? ना, बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, 100% करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 70% करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बोलो, अब बोलोगे सर आप कैसे? तो देखो अभी 55वां देश का 55वां वो क्या बनाया गया है, 55वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, जो कौन सा बना है? करौली धौलपुर, करौली धौलपुर। अब ये करौली धौलपुर कहां पड़ता है? अपने राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो ये इनडायरेक्टली क्या हो गया, करंट अफेयर क्या क्वेश्चन हो गया। तो कितनी योजनाएं संचालित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 योजनाएं संचालित है। अब याद आता है कि सर 5 योजना संचालित है, बहुत अच्छी बात है, पर कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी कब कम बनी थी? देखो पहली है रणथंभौर, कौन सी है? रणथंभौर, जो 1973 के अंदर है वो इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। फिर दूसरी कौन सी आ जाती है? तो सरिस्का, जो कहां पर है? अलवर के अंदर, रणथंभौर स्वाई माधोपुर के अंदर, बहुत बढ़िया प्यारी जगह है, रणथंभौर घूम के आओ, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जो भारत का एकमात्र मंदिर है, वो सच में मतलब दर्शन करके आओ, वहां पर इतने लंगूर मिलेंगे और वो क्या आलिशान, मतलब सच में आप उतने दूर वहां जाकर दर्शन करोगे ना, सच में आपको सुकून की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो जिसको सरिस्का जो अलवर के अंदर है 1978 को इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में कौन सी आ जाती है? मुकुंद्रा, मुकुंद्रा को कब दिया गया था? 2013 के अंदर। फिर भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ विस्तारी, इतनी बार क्वेश्चन आया, इतनी बार क्वेश्चन आया कि पूछो ही मत, ठीक है ना। जब बना था ये घूम फिरा कर यही आया, 52वां टाइगर रिजर्व, राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व, तो ये आया था। 5वां टाइगर रिजर्व जो रामगढ़ विस्तारी है वो 4था था, 2012 कब मिला था? 22 के अंदर। अब 2023 के 21-22 में घोषणा होगी तो 2022 के अंदर पूर्ण मिला, 23 के अंदर मिला था करौली धौलपुर, ठीक है ना, 23 के अंदर करौली धौलपुर होना। अब इसको बात आती है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा पहले तो कौन था? रणथंभौर था, लेकिन अब कौन सा हो गया है? रामगढ़ विषधारी हो गया है, ठीक है, याद रखोगे ना। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में राजस्थान के किन मंदिरों को शामिल किया गया है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन पे, लगाओ स्टार इस क्वेश्चन पे, पूछो स्टार क्यों? तो देखो नाम क्या है, स्वदेश दर्शन 2.0, राजस्थान के मंदिरों को शामिल किया गया है, तो मंदिर इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब उससे रिलेटेड सारे फैक्ट वो डिस्कस कर लेना। केशवा राय पाटन कहाँ है? बूंदी के अंदर। कहाँ है केशवा राय पाटन? बूंदी के अंदर है, ठीक है। करणी माता मंदिर देश नोक के अंदर, कहाँ है? देश नोक के अंदर। यहाँ पर सफेद चूहे पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है?
काबा कहा जाता है। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखोगे ना, करणी माता देशनोक, एक करणी इच्छा पूर्ण करणी माता का मंदिर है, जहां पर अभी क्या बनाया जाएगा बताओ? अभी क्या बनाया जाएगा? जो उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। वहां पर क्या बनाया जाएगा? जो खोले के हनुमान जी और वीर सामोद हनुमान जी वहां पर भी है। तो क्या नाम है? अरे भाई साहब बोलो रे, रोप वे बनाया जाएगा, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। अब स्वदेश दर्शन 2.0 इसके बारे में देखते हैं। तो जनाब, ये जब 2014-15 के अंदर स्टार्ट हुई थी, मोदी जी आते नहीं स्टार्ट कर दिया था, इसके अंदर जब स्टार्ट हुई थी तो इसका नाम था संदेश दर्शन। उस टाइम उसका नाम क्या था? संदेश दर्शन। फिर अब उसके बाद में इसका स्वदेश दर्शन कर दिया गया 2022-23 के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मोत्सव मनाया जाता है? भाई साहब, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनाब 8 मार्च को। इस बार लोगों को ये थोड़ा कम याद आया। पूछो क्यों? क्यों इस बार है वो कालों के काल महाकाल, बाबा महादेव का क्या था? महादेव की बारात आई थी, मतलब महाशिवरात्रि का पर्व था। इस वजह से ये महिला दिवस है वो थोड़ा सा क्या हो गया, छुप गया। सब के सब महिलाएं खुद भी किस में बिजी हो गई? भोलेनाथ जी को मनाने में हो गई, क्योंकि ब्रह्मांड के रचना ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश जी को तो मनाना जरूरी है ना, क्योंकि लड़कियां तो स्पेशल मनाती है जनाब, 16 सोमवार करती है, ताकि उनको भरतार है वो क्या मिले, अच्छा सा मिले। हालांकि भरतार तो वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है, जो मिलता है वो वैसा ही मिलता है, और जो जैसा मिलता है वो अच्छा ही होता है, और अच्छा नहीं भी होता है तो भी एक्सेप्ट करके रखना पड़ता है, अच्छा बनाना पड़ता है। बाकी कैसा ही हो, 2-4 साल के बाद में तो उस बच्चे को, उसे इंसान को चुप रहना ही है, उस लेडीज के हाँ में हाँ ही मिलानी है। ठीक है ना? एक ही शादी का क्या है, सुखी मंत्र है, कि जो धर्मपत्नी जी बोले उसमें बोलो हाँ, उसकी दो कर दो तारीफ, इतने में वो क्या हो जाएगी, चुप हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी झगड़ा हो तो या तो वहां से उसके हाँ में हाँ मिलाओ, सॉरी बोलो, झगड़ा खत्म करो, या बाद में कुछ है उसकी तारीफ करो और अपने जो रिश्ते को है उसको आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, यही है। बाकी आप बहस करके इम्पॉसिबल है, जीत सकते हो ना, युद्ध जीत सकते हो, लेकिन ये जंग का मैदान नहीं है। ठीक है ना? तो अगर कोई शादीशुदा है तो उसके लिए भी ये मंत्र है, उसको पता भी होगा, और भावी जो इस लड्डू को चखना चाहते हैं ना, तो वो पहले से ही तैयार हो जाए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन है। तो वसुंधरा राजे जी है, जो हमारे भारत राजस्थान के एकमात्र सीएम रही थी महिला, और 2 बार सीएम रही थी, उनका क्या है जन्मोत्सव मनाया जाता है कब? तो इनका जन्मोत्सव है वो कब मनाया जाता है? तो इनका जन्मोत्सव है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अभी ये झालरा पाटन झालावाड़ से क्या है, विधायक है। अभी ये झालरा पाटन झालावाड़ से क्या है, विधायक है। और अपने राजस्थान में कितनी बार मुख्यमंत्री रही है? तो जनाब ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। बोलो, कोई दिक्कत? हालांकि इस बार भी मुख्यमंत्री बनने का पूरा दावेदार था, लेकिन वो क्या बताएं, मोदी जी के चलती है जनाब, इस बार इनको नहीं, और नए सीएम को मौका मिला, और वो हमारे नए सीएम अब भजन लाल जी है। ठीक है, कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखो, कौशल आधारित शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने है वो क्रिप्स के साथ समझौता किया है। किसके साथ? क्रिप्स के साथ। बोलो, किसके साथ? क्रिप्स के साथ। अब यह शिक्षा, शिक्षा से संबंधित याद रखो कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। तो सर ये और क्या है? अरे ये मुख्यमंत्री है, अपने डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम है। अब इसके अलावा
डिप्टी सीएम कौन है? तो दिया कुमारी जी है। सीएम आप सबको पता है, ठीक है ना, सीएम आपको पता है। और जो दिया कुमारी जी है उनके पास कौन सा विभाग है? तो वित्त मंत्री का विभाग है। अभी जो लेखा अनुदान है वो जो जारी किया था ना, वो किसने किया था? तो दिया कुमारी जी ने किया था। हाल ही में किन देशों के मध्य सी डिफेंस डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास हुआ है? सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास है वो भारत और यूएस, मतलब भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। अमेरिका जिसके राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अभ्यास वज्र प्रहार भी होता है। कौन सा? वज्र प्रहार अभ्यास भी होता है। मेरीलैंड में सबसे बड़ी अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, मतलब विदेश में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी अंबेडकर प्रतिमा की अनावरण है वो यूएसए के अंदर ही किया गया है, अमेरिका के अंदर किया गया है। और अमेरिका के अंदर भी कहाँ किया है बताओ? अमेरिका के अंदर भी मेरीलैंड के अंदर किया गया है, याद रख लेना। ये जब क्वेश्चन किया गया था ना तब भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। हाल ही में किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस को पेश किया गया है? भाई साहब मेरे को तो कभी कभी डर लगता है, क्या इस एआई से लगता है? मेरे को नहीं, बहुतों को लगता है जनाब एआई से, ठीक है ना। जब से एआई आई है ना बहुतों के क्या है जो पर ये क्या मारेगी, लात मारेगी। देखो अब एआई जितना एक इंसान तो कैसे हो सकता है, क्योंकि एआई को बनाया भी गया है ना, तो कम से कम मान के चलो लाखों लोगों पर रिसर्च करके है वो, इसके अंदर डाटा डाला गया है, तो एक आदमी लाखों तरीके से बना सकता है। तो अब ये शिक्षक बना दिया, जनरेटिव शिक्षक, ठीक है, जिसका नाम क्या है? आयरिस। क्या नाम है? आयरिस। पेश किया गया है जो एआई शिक्षक है जो आपको पढ़ाएगा और समझाएगा, ठीक है ना। तो केरल, ठीक है ना, केरल किस राज्य में आए ये? केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम कौन है? अरे सीएम है भाई साहब पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन, ठीक है ना। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही है वन आईएएस वन स्कूल योजना है वो चलाई है। आप देखो एक पेरियाई वन्य जीव अभ्यारण है ना, वो भी कहाँ पर है? तो वो भी केरल के अंदर है। तो अगर ऐसा ही पढ़ना है तो अभी अभी पढ़ दो जल्दी से, ठीक है ना। जल्दी से अगर लगना है नौकरी तो कंटिन्यू रखे जी, लग जाओ नौकरी, वरना एआई आ रही है फिर आप बैठे रहोगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? अब इसको रोक नहीं सकते। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप राजस्थान मत लगा देना। ये राजस्थान अगर गहलोत जी की सरकार या कांग्रेस की सरकार होती तो अपन कह सकते थे, लेकिन ये इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना है वो अभी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो उस इस योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। किससे? हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, जिसके सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है ना। हालांकि अभी सरकार यहाँ पे डगमगा देगी, पढ़ने वाली थी लेकिन बच गए, रह गए। राजधानी क्या है? तो शिमला इसकी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। और विटर कॉर्नियल्स शिमला में आयोजित हुआ है। ये एक वो क्या है, महोत्सव समझ लो या फिर क्या समझ लो, अभ्यास समझ लो। ये महोत्सव कॉर्नियल्स विटर कॉर्निवाल, ठीक है ना, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? शिमला के अंदर आयोजित हुआ है। शिमला किसकी राजधानी? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का प्रारंभ है वो जनाब बेंगलोर के अंदर हुआ है। कहाँ? बेंगलोर के अंदर हुआ है। कहाँ? बेंगलोर के अंदर हुआ है। बेंगलोर को 24 अप्रैल को है, 24 अप्रैल 2023 को क्या देखा गया था? 0 से 2 डे देखा गया था, लगभग 2 बजकर, ठीक है ना, 2:00 पर, ठीक है ना। और कोई, ठीक है ना, एक बेंगलोर से रिलेटेड है वो 3D प्रिंटेड डाकघर, जो काफी बार क्वेश्चन आया, EORO के अंदर भी आया और RAS के अंदर भी आया था। मैं आप काफी बार ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, तो जो बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। हाल ही में कहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो स्टार, अपने लिए भी आ सकता है। तो ये कोलकाता के अंदर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, और ये उद्घाटन किसने किया है? तो अपने PM साहब मोदी जी ने किया है, ठीक है ना। और कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है,
कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की है, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये हुगली नदी के नीचे ही क्या है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का क्या किया, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है तो। अब देखो और भी अपन डिस्कस करते हैं। और देखो, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां दिवस मनाया। 174वां दिवस है वो किसने मनाया? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 174वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब देखो, स्थापना दिवस 174वां बनाया, तो आप ये बताओ कि इसकी स्थापना हुई कब थी? तो सीधी सी बात है, 174 माइनस कर लो तो ये हुई थी 1871 के अंदर हुई थी। ठीक है ना, 1871 के अंदर हुई थी, और ये स्थित कैसे, कहाँ है? कोलकाता के अंदर स्थित है। कोलकाता का क्वेश्चन आया, तो अपन ये भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरलाई में सैन्य हवाई अड्डे के साथ नागरिक हवाई अड्डा बनाने की कैबिनेट की मंजूरी मिली है, यह किस जिले में है? तो ये किस जिले में है जनाब? तो ये जनाब याद रखिएगा, उत्तरलाई सैन्य हवाई अड्डा है वो अपने राजस्थान के बाड़मेर के अंदर है, जहां क्या है, मरु महोत्सव मनाया जाता है, क्या रहा? कथार महोत्सव मनाया जाता है। बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ। दोनों मैंने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया है, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तीनों का कमेंट आपका आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तीनों का कमेंट आना चाहिए। मैं देखूंगा, देखते हैं कितनी शिद्दत से आप पढ़ते हो। थार महोत्सव, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, जो लेटेस्ट है अपन ने पूरा डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो उत्तरलाई में सैन्य हवाई अड्डा के साथ नागरिक हवाई अड्डे के बनाने की मंजूरी मिली है, तो ये बाड़मेर के अंदर है। इसके अलावा और सैन्य हवाई अड्डे भी जानकार करते हैं, नाल बीकानेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर है, फलौदी है, और सूरतगढ़ बीकानेर के अंदर है, सॉरी सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। ठीक है ना, ये भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक किशनगढ़ हवाई अड्डा है, और एक जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ही। ठीक है ना, ये तो आप जानते हो, जो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, वो तीन क्वेश्चन आपसे जो मैंने पूछे हैं वो आप मेरे को जरूर बताना। ठीक है ना, अब बस अपन आगे अंतिम पे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीचोम किस राज्य का नया जिला बना है? तो बीचोम भाई साहब, बीचोम मतलब मध्य में, लेकिन ये राज्य मध्य के अंदर नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर राज्य है ये, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 27वां डिस्ट्रिक्ट बना है, जिसका नाम क्या है, बीचोम। क्या नाम है? बीचोम, याद रख लेना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, सीएम कौन है, पेमा खांडू है, उसका 27वां डिस्ट्रिक्ट बना है, और एमपी में 53, और यूपी में 74, और राजस्थान में 50, हालांकि अगर हो सकता है तो राजस्थान में 53 भी हो सकता है, तो ही बाद में एमपी राजस्थान में क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे? अभी देखो, अपने भी तो अपने गणतंत्र दिवस पर है, वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी को बुलाया था। ठीक है ना, और अभी जैसे ही अपने भी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उनको भी है, वो कौन सा देश है वो मुख्य अतिथि के रूप में मनाया गया है, बुलाया गया है उनके राष्ट्रीय दिवस पर, तो वो मॉरिशस। कौन सा देश है वो? मॉरिशस देश है, जिसकी राजधानी, राजधानी कौन सा है? पोर्ट लुइस, जिसकी राजधानी है, पीएम कौन है? प्रवीद जुगनोत है। क्या ना, प्रवीद जुगनोत है, जिसकी जनसंख्या लगभग 12.7 लाख है। जनाब इतनी जनसंख्या ही है बस, इतने में तो अपने राजस्थान, अपने एक स्टेट है भारत का, तो लेकिन ठीक है, देखो क्या बता सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का प्रारंभ किया है? इंडिया बाय द क्रिक, इंडिया बाय द क्रिक, याद रख लेना, उत्सव प्रारंभ किया है, ये किसने किया है? तो जनाब इसका सही आंसर हो जाएगा, दुबई ने किया है। किसने? दुबई ने किया है। हाल ही में इंडिया बॉय क्रिक का उत्सव का आयोजन है, वो किसने किया है? दुबई ने किया है। बोलो, याद रखोगे ना, दुबई ने किया है। तो याद एक चीज और रखो, कि भारत की जीवंत संस्कृति को विकसित करने के लिए या इनको प्रदर्शित करने के लिए अभी भारत और दुबई के अंदर एक पारंपरिक व्यापार संस्कृति का आयोजन हुआ है, ये उसी के लिए ही है, इंडिया बॉय द क्रिक। ठीक है ना, ये उन भारत की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, और इससे व्यापार प्रदर्शित हो, दोनों देशों के बीच में दोस्ती की भावना बढ़ाए लोगों के बीच में, तो इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इंडिया बॉय द क्रिक। ठीक है, याद रखोगे ना,
बोलो कोई दिक्कत है क्या? ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? कौन सा देश सदस्य बना है? 32वां सदस्य बना है, ठीक है। कौन सा सदस्य बना है? 32वां सदस्य बना है। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा तो आंसर हो गया स्वीडन बना है। कौन सा बना है? स्वीडन बना है, ठीक है। अब NATO, नाटो मतलब नॉर्थ एंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब होती है? जिसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। कब होती है भाया? 4 अप्रैल 1949 को क्या होती है? नाटो की स्थापना होती है, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रिसेल्स में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। यादें जरूर रखिएगा, नाटो का हेडक्वार्टर स्थापना और नाटो की फुल फॉर्म और 32वां देश अभी जो शामिल हुआ है उसके बारे में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत शक्ति आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? जयपुर जैसलमेर। कहाँ आयोजित किया जाएगा? अपने राजस्थान के जैसलमेर के अंदर है वो भारत शक्ति अभ्यास है, ये याद रख लेना। क्या है भाया रे? अरे जनाब सुनियो रे, ये अभ्यास है, एकदम थको हारो मत है। बस आ गए अब तो एंड पर है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। 12 मार्च को ये आयोजन करवाया जाएगा, ठीक है। आज 10 हो गई, कल परसों यानी मंगलवार को बजरंग बली का नाम लेकर है वो अभ्यास किया जाएगा। ये तीनों सेना के द्वारा है, वो भारत की जो तीनों सेना उनके द्वारा सैन्य अभ्यास है आयोजित करवाया जाएगा। अभी जितने भी सैन्य अभ्यास है वो पिछली जो अपन ने PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है उसकी लिंक आपको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाओ, पूरी 2 महीने की करंट अफेयर की PDF है वो डाली हुई है भाई साहब। तो डरने की कोई बात नहीं है, एकदम जाओ आराम से जाकर है वो क्या करो आप जाकर है वो क्या करो देखो PDF याद करो, बस उसी का रिविजन करो। अगर इतना आपको याद है ना तो मैं कहता हूँ विद्या कसम इससे ज्यादा आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन कहीं पढ़ने की जरूरत है कोनी रे भाया को। तो खटही तो विश्वास करो रे, विश्वास पे ही और उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, ठीक है ना। हाँ उम्मीद ज्यादा नहीं लगानी चाहिए क्योंकि वो भी तो दुखों का कारण है जनाब। तो देखो अपने को कंटिन्यू है वो क्या करना है, स्ट्रगल करते रहना है इस जीवन की जो इस लाइफ की जो ईश्वर है हमें अच्छा योद्धा बनाने के लिए जो मुश्किलें देता है उनको सहर स्वीकार करते हुए उसको हटाते हुए अपने को क्या बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, मुश्किलों को जीतते जाना है। और अब देखो भर्तियां का क्या है, भर्तियां तो अभी देखो CTET की तो आ चुकी है जुलाई की, तो बाकी देखो भर्तियां अपने राजस्थान की अभी आचार संहिता लग जाएगी 2-3 दिनों के अंदर, उसके बाद में है कोई भर्ती एक बार होगी नहीं फिर बाद में होगी। तो चलो अभी तो देखो SI वाला और वो सिस्टम चल ही रहा है, हो सकता है SI भी आ जाए। तो अगर कोई SI की कर रहा है तो चलो हो सकता है वो भर्ती रद्द भी कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। देखो फर्स्ट रैंकर ही सेटिंग कर करके लेके आते हैं, कितने पैसे व्यस्त करते हैं, कितना क्या कुछ करते हैं। जो एक्चुअल में जो फर्स्ट रैंकर का दावेदार था वो तो बेचारा कहीं बैठा होगा, और जो नहीं था वो कैसे कैसे यार पकड़ा गया, ठीक है। वही बात है कि देखो अगर आप बुरा करते हो, काम खराब करते हो, तो उसका नतीजा आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। काल चक्कर है वो ऐसे गोल घूमता है, आज किसी का बुरा किया है तो वापिस आकर अपना बुरा भी डेफिनेटली होगा। जब कर्मों का हिसाब होता है तब खुद भगवान भी हमें नहीं बचा सकते, ठीक है ना। तो कर्म अच्छे कमाओ, हमें मैं हमेशा कहता हूँ कि हंसते रहो मुस्कुराते रहो इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो, कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। क्योंकि हिसाब कौन करता है? कर्मों का ही क्या होता है? हिसाब होता है, ठीक है ना। अगर कर्म अच्छे तो हमारा हिसाब भी क्या होगा? अच्छा होगा। और अगर हमारा कर्म बुरे तो हमारा अंत भी इतना भयंकर बुरा होगा कि हम खुद सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। उस टाइम कोई हमारी बचाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। बोलो कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत की बात को नहीं, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। ये क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है। अब अपन मैंने आपको बता ही दिया है कि हम
डिस्कस करेंगे जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, मार्च एंड होते ही अपन पूरे 3 महीनों का करंट अफेयर का निचोड़ है वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, वो लाइव क्लास लेकर आएंगे सुपर 200 का। तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, बीएसटीसी पीटीटी वालों के लिए तो रामबाण की साबित होगी। जनवरी से आपको पढ़ना है करंट अफेयर और उसके बाद में आपको इससे बाहर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, लाइव देखेंगे, उसमें लाइव आपसे रूबरू होंगे, आपसे बातें करेंगे और ऑफलाइन क्लास की तरह लुप्त उठाएंगे और पूरे 200 क्वेश्चनों का निचोड़ अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं वापस मिलता हूँ नेक्स्ट संडे को एक नई ऊर्जा, एक नए जोश और आपके प्यार और सपोर्ट, आपकी पॉजिटिव वाइब के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।